सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम मैंने इनको अलग कर दिया। अब इसके बाद मेरा सेकंड काम यह है कि मैं तमाम बर्ड्स को अच्छी तरह देखूंगा एक नजर, कि यार कोई मेरा बर्ड्स में इंफेक्शन तो नहीं है। देखें, इसकी ये आंख सही है, इस आंख में डाला है, ठीक है, ये मैंने दवाई ली और ये मैंने इस पे लगाने वाली भी बता दी, पिलाने वाली भी बता दी और छिड़कने वाली भी बता दी। में मच्छरों की तादाद बढ़ रही होती है तो सेटअप में मच्छर के साथ साथ बारीक कीड़े और जो परिंदों में जुए हो जाती हैं उसके लिए मैं बेहतरीन हल ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुरैया भट्ट को खुश आमदीद। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार आजकल लव बर्ड से पॉक्स आ रही है, ठीक है, ये वो वाली पॉक्स नहीं है बट ये आंखों को खराब करती है, आंखों पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और अगर हम केयर नहीं करते तो बर्ड्स की आंख भी जाया होने का डर होता है। तो मेरा कहना यह है कि हम बर्ड्स के लिए, और लव बर्ड्स में आंखों का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसके लिए हर वक्त मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई आप दो मेडिसिन तो लाजमी रखें। वो दो मेडिसिन कौन सी होती है? एक हम रखते हैं पॉलीफेक्स। पॉलीफेक्स ये होता है कि कभी परिंदों की आई आंखों में कोई भी इंफेक्शन होता है तो उसके लिए बेस्ट होती है, ठीक है, आई आइनमेंट। और दूसरी है बेटोविट क्रीम। बेटोविट क्रीम भी अगर कभी परिंदों की आंखों पे कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस अगर उनको कहीं चोट लग जाए, कोई जख्म हो जाए तो भी बेटोविट क्रीम बहुत काम आती है। लेकिन ये जो पॉक्स की किस्म निकलती है या कभी पॉक्स आती है, ये दाना सा होता है, इसके लिए बेहतर क्रीम जो है वो सोब्राडेक्स है। हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप सस्ती चीज इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे मैं महंगी चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा ख्याल है 100 रुपए के अंदर आती है, लेकिन ये 500-600 रुपए की एक क्रीम होती है। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखे परिंदे की आंख जो है वो बहुत कीमती है, तो अगर हम ये नॉर्मल इन्फेक्शन के लिए तो सही रहती है, लेकिन अगर वो वाला जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए टोब्राडेक्स के नाम से एक क्रीम है, इसका मैं नाम डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, इसको मैं करीब से भी आपको दिखा दूंगा ताकि अगर आप ये लेना चाहें तो ले सकते हैं। इससे अगर परिंदे का इंफेक्शन शुरू हो तो 1 से 2 दिन में परिंदा रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर हम केयर नहीं करते और हमें पता नहीं चलता और बर्ड्स का इंफेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने मेडिसिन की बात कर ली, लेकिन हम अगर फर्ज करें, या मैं देख रहा हूँ कि या मेरे पास कुछ बर्ड्स हैं और मैं देख रहा हूँ कि उसमें इन्फेक्शन है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है? भाई सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि हमारे पास, मैं हमेशा लोगों से कहता रहता हूँ कि भाई एक दो छोटे केज अलग से रखो, ताकि इनको मेडिकल केज भी कहा जाता है और ये बहुत काम आते हैं। जैसे कभी कोई बर्ड्स बीमार हो जाए, कोई बर्ड्स लड़ जाए, या कभी हम कहीं से बाहर से बर्ड खरीद के लेके आते हैं तो हम उनको यहाँ कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं। तो कभी भी अगर आपने देख लिया कि आपके बर्ड्स में इंफेक्शन है, ठीक है, अब मैंने चेक कर लिया कि इनमें मुझे इन्फेक्शन नजर आ रहा है, मैं क्या करूंगा, इनको जो है यहां से मैं इनको ले लेता हूँ, ठीक है, और इनको मैंने क्या करना है, अलग केज में सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहला काम मैंने इनको अलग कर दिया। अलग करके देखिए, मैं इनको यहां भी रख सकता हूं, लेकिन बेहतर ये है कि आप इनकी जगह भी चेंज कर दें। अलग केज में तो रखना है, लेकिन अलग जगह भी रखेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आप इनको साथ रखेंगे तो हो सकता है कि आपके दूसरे बर्ड्स भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। यहां मैंने देख पकड़ लिया कि यार इनमें इन्फेक्शन आया होता। अब इसके बाद मेरा सेकंड काम यह है कि मैं तमाम बर्ड्स को अच्छी तरह देखूंगा एक नजर, कि यार कोई मेरा बर्ड्स में इन्फेक्शन तो नहीं है, मैं चेक करूंगा अच्छी तरह, ये बहुत जरूरी है। और इसमें वो वाले बर्ड्स जो ब्रीड पे हैं, जो अंडों के साथ हैं, जो बच्चों के साथ है, जैसे मैं आपको बताऊं, एक ये मेरा पियर जो है, ये देखिए इसने अंडे दिए हुए, ठीक है, मैं इसको चेक करता हूँ, इसको मैंने चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अरे इसके बाद जब हमने अपने तमाम बर्ड्स को चेक कर लिया, और स्पेशली मैंने ये कहा कि जो जो अंडों के साथ हैं या जो बच्चों के साथ हैं उनको चेक करना जरूरी है, क्योंकि वो हमारी आंखों से ओझल होते हैं, वो अंडों पे बैठे हुए बच्चों के साथ है, हमें नजर नहीं आता, तो वो इन्फेक्शन बढ़ के वो तमाम सेटअप इससे मुतासिर हो सकता है। फिर अगर मैंने ये कहा कि लगाने वाली दवाई मैंने आपको दिखा दी कि भाई लगाने वाली दवाई में टोपड़ा
डेक्स देनी है, ठीक है। अच्छा, अब लोग बोलते हैं कि यार पिलाने वाली दवाई हम उसको पिलाएं क्या, तो सबसे अच्छा जो एंटीबायोटिक मैं बोलता हूँ ऑक्सीटेटरसाइक्लिन, ये आधे लीटर पानी में थोड़ा सा तेज पानी बनाना है, दो कैप्सूल डाल के बनाना है, थोड़ा तेज पानी बना के आपने कम से कम अपने बर्ड्स को, तमाम बर्ड्स को 5 दिन का कोर्स करवाना है, और जिस जो इफेक्टेड है उसको कम से कम 7 दिन तक तो आपने पिलाना है, ठीक है, रेगुलर, इंशाल्लाह इससे आपको फायदा होगा। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये होता है कि लोग बोलते हैं कि यार जो वो होते हैं अपना मच्छर होते हैं, मच्छरों से ये फैलती है, ठीक है, और हम जब गर्मियां होती हैं, गर्मियों में मच्छरों की तादाद बढ़ रही होती है, तो सेटअप में मच्छर के साथ साथ बारी कीड़े और जो परिंदों में जुएं हो जाती हैं, उसके लिए मैं बेहतरीन हल ये ZB1000 आप अपने सेटअप में लाजमी रखें। इस तरह मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, लगाने वाली भी बता दी, पिलाने वाली भी बता दी, और छिड़कने वाली भी बता दी, ठीक है। अब आप क्या करें, जब भी अपना सेटअप में लाजमी अगर आप इसको छिड़क देंगे तो इनशाला आपके सेटअप में कभी जुए नहीं होंगी, कीड़े नहीं होंगे, मच्छर नहीं होंगे। ये मैं ऑनलाइन भी देता हूँ, ये इरफान बर्ड जोन के पास भी मिल जाएगी, लांडी शॉप पे भी अवेलेबल होती है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं कि हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं, इनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। मैंने जो है वो कोबरा डेक्स को खोला है, और अब हम परिंदे को लेते हैं, ठीक है, देखें इसकी ये आंख सही है, इस आंख से डालना है, ठीक है। ये मैंने दवाई ली और ये मैंने इस पे, ये देखिए हाथ पे लगा, ठीक है। इसी तरह मैंने दूसरे को पकड़ा, ये देखिए, इससे मैंने आंख पे लगा दी, ये आंख सही है, ठीक है, ये इंशाल्लाह 3-4 दिन में सही हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसमें सुस्ती की या लापरवाही की तो ये इन्फेक्शन बढ़ता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता सब बर्ड्स में हो जाएगा, तो आपके बर्ड्स मुतासिर होंगे। अगर आपने बचाना है तो आपने इसको फौरन, ये कम अज कम ये करें कि 24 घंटे में एक दफा दवाई लाजमी लगाएं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको सुबह में टाइम मिलता है तो आप सुबह में लगा लें, और रात में टाइम मिलता है तो रात में लगाएं, लेकिन पीने की भी, लगाने की भी, और छिड़कने की भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, बेहतियाती करेंगे, तो आपके बर्ड्स ज़ाया हो जाएंगे। देखें, गर्मियों में ये उस सूरत में होता है जब कोई, और इसके साथ साथ अगर आखिर में मैं एक बात बोलूं कि जब भी कोई वबा आ रही होती है तो कोशिश करें कि परचेजिंग को रोक दें, परचेजिंग ना करें आप, क्योंकि जब एक वबा चल रही होती है तो मार्केट से भी वबा आ जाती है या कहीं से हम लेते हैं, और अगर आपको बहुत मजबूरी है कि कहीं से बर्ड खरीदने, तो फिर आप उनको किसी भी मेडिकल केज में, किसी अलग केज में सेपरेट उनको कम से कम आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता रखें, उनको वॉच करें, जब वो बिल्कुल सही है, ठीक है, उनमें कोई बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, फिर अपने शेड में छोड़ें। डायरेक्टली कभी भी कहीं से भी बर्ड ला के अपने शेड में नहीं छोड़े जाते, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वजह बनती है बीमारी। अगर आपने इन बातों पे अमल किया तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे और आप हेल्दी रहेंगे। बहुत शुक्रिया।